हेलो गाइस, ठंड बहुत तेज पड़ने लगी है। तो फिर ऐसे में आग ही तापते तापते मैंने टमाटर भूंज लिया है और एक लहसुन भूंज लिया है। इसको हम छील के टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसको कि मैंने भूंज लिया है, एक लहसुन है जिसको कि मैंने भूंज लिया है, और ये दो मिर्ची हैं जिनको कि हम काट लेंगे। और यहाँ पे हमने बहुत सारा धनिया लिया है, इसको हम धो के काट लेंगे। हमने टमाटर को चॉप कर लिया है और मीडियम साइज़ में चॉप किया, और अब हम इसको छान लेंगे। तो इसका जो जूस निकलेगा उसको हम एक साइड रख देंगे और बाकी बचे हुए को हम जो बड़ा बड़ा पीसेस है उनको हम पीस लेंगे। हमने अच्छे से दबा के जूस निकाल लिया है, तो देख सकते हैं आप। तो देखिए, ये टमाटर का जूस इस तरीके से निकल गया है और बाकी का बचा हुआ हम इसको अब पीस लेंगे। मैं टमाटर डाल दिए हैं और ये मैंने लहसुन भी डाल दी है, मिर्ची डाल दी है, साथ में धनिया भी डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जैसा भी आप खाते हो। मेरे ख्याल से इतना इनफ है। मिक्सी में पीस लेंगे, तो हम इसको दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे। हमने इसको दरदरा पीस लिया है, और ये पीसने की भी एक ट्रिक है कि आपको कुछ सेकंड के लिए मिक्सी चलानी है, फिर बंद कर देनी है, फिर कुछ सेकंड के लिए मिक्सी चलानी है, फिर बंद कर देनी है। तो इस तरीके से आपकी जो चटनी पिसेगी वो दरदरी पिसेगी। अब हम इसमें जो बचा हुआ टमाटर का जूस था वो मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमने बचा हुआ टमाटर का जूस मिक्स कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको मिक्सी में नहीं चलाना है आपको, बस ऐसे ही स्पून से इसको मिक्स करना है। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चटनी रेडी हो गई है और इसको आप किसी भी रोटी पराठा पूड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।